आज के प्रोग्राम में आए और तकरीर भी हसीना आपा ने की करारदाद पाकिस्तान के हवाले से और बिल्कुल ठीक थी और बिल्कुल बेहतरीन शायद थी। अचानक उनका कार्डिक अरेस्ट हुआ है, सुबह में उनके मोबाइल से फ़ोन आया और उनकी भांजियों ने और उनकी भांजियों ने बताया कि इंतकाल से पहले जब उनका कार्डिक अरेस्ट हो रहा था तो उन्होंने कहा कि अहमद शाह से उनको फ़ोन मिलाओ। और हमारा तो ऐसा लगता है जैसे माँ का साया एक बार गया था वैसा ही है। जो ड्रामे हसीना आपा ने एक नया ट्रेंड सेट किया वो फाइटिंग औरत थी, उसने एक मजबूत औरत 1970 में लिखना शुरू किया। उनके सारे ड्रामे हम कहीं देखें, शहजोरी देखें, तनाइयाँ देखें, नजात देखें, उन्होंने कभी कमज़ोर औरत नहीं दिखाई माशरे की। और उनका ह्यूमर भी अपने स्टाइल का था, जिस जिसने जो जो करेक्टर किया, बेरोज़ को कबाचा के साथ नाम से लोग पहचानते हैं, जमशेद अंसारी को चक्कू है मेरे पास उसके नाम से, जो कैरेक्टर था वो कैरेक्टर अमर हो गया। इतनी हम्बल थी, इतनी ही सादा थी, इतनी ही नेक खातून थी कि इतना बड़ा नुकसान हो गया है। और पीटीवी में 50 बरस से उनका डंका बजता था, उर्दू ड्रामे को उन्होंने एक नई शक्ल दी, उसी को बाद में नूर उदा शाह ने औरतों के हकूक के हवाले से उसको आगे बढ़ाया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का और सारी उर्दू दुनिया का। जो उतार चढ़ाव से वो गुजर भी रही थी, मगर उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया, कभी उसका तल्खी से इजहार नहीं किया और उसे सहती हुई वो आगे बढ़ती रही और वो हमेशा काम करना चाहती थी, हमेशा लिखना चाहती थी। मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर ने, टेलीविज़न के प्राइवेट सेक्टर ने हसीना मोइन जैसी शख्सियत और राइटर की कदरदानी नहीं की, और इसका उन्हें बहुत एहसास भी था, अफसोस भी हमें था, लेकिन आज के लोगों ने ना उनकी कदरदानी की ना उनकी शख्सियत को पहचाना। ये ज़रूर मैं आज उनकी ज़िंदगी में नहीं कह सकती थी, मगर उनके बाद आज मैं खुल के कह सकती हूँ कि उनके अंदर ये दुख था प्राइवेट सेक्टर के। बिल्कुल नाप्ता जब भी ऐसे पाकिस्तान मैं यहाँ पे इंतहाल में आया हूँ ग्रामों के हसीना सिर्फ नहीं है बाजी के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए वो एक नायाब आदमी शाहकार थी और उनके प्लीज दुनिया अदब का चलते रहे। इंतहाई अफसोस ज़्यादा है कि दुनिया अदब जो एक बहुत अजीम शख्सियत से महरूम हो जाएगा। ऐसे जो पुराने ड्रामे थे वो एक पॉपुलर और इंतहाई ख्वाहिशी के साथ खवातीन हमारे बनाए हुए शोबे में जिसकी पुलिस तारीफ की जाए कम है, शोबे में पूरी पाकिस्तान की जानब से मैं उनकी ताजिश करने वाले तौर पर उनका और उनके मतलब अल्लाह का मतलब हमारे नई पहली बड़े लोग जब भी गए सारे अल्फाज ले गए, सारी सोचें ले गए, सारी सिर्फ मोहब्बतें छोड़ गए। हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है, इतने हसीना आपा का मैंने कुछ काम किया है, बहुत बेहतरीन खातून, नफीस तरीन खातून जो उनके अल्फाजों में नजर आते। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, मफरत करे, कब्र में आसानियाँ उनके साथ रोशनी पैदा करे, जन्नत बना दे कब्र पर और जन्नत के दौर में आ रहा हूँ। वाहिद आर्टिस्ट नज़र आए हैं अभी तब तक, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये जो एक रवैया देखने में आ रहा है सर, रवैया नहीं है, सब अपनी जगह काम कर रहे हैं, मैं भी काम छोड़ गया, अपनी जगह सब काम कर रहे हैं, सब बहुत तकलीफ में, मैं सबकी तरफ से कह रहा हूँ सब बहुत तकलीफ में, लेकिन अभी आप देखिएगा आते रहेंगे लेकिन लेट ना हो जाए बस ठीक। आप बहुत ही कीमती असासा पाकिस्तान की अन्य शख्सियात और दूसरे शख्सियात का लॉस हुआ है मौजूदा दौर में, उनकी रिप्लेसमेंट मिलना उनको नज़र नहीं आ रही, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे। कराची का बिलखसूस और पाकिस्तान के दिलों में बहुत बड़ा लॉस है। एक